आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में महाकवि भूषण जी द्वारा रचित शिवा शौर्य के चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। इंद्र, ये नाम है देवताओं के, राजा जो इंद्र हैं उनका नाम है तो ऐसे ही रहेगा। निज माने अपने, निज माने अपने या अपना भी होता है जैसा आपके वाक्य में बैठ जाए, तो निज माने अपने या अपना। हेरत मतलब खोजना या ढूंढना, हेरत माने खोजना या ढूंढना। फिरत मतलब फिर रहे हैं, फिरत मतलब फिर रहे हैं। गज इंद्र, देखिए गज इंद्र माने ऐरावत हाथी, सफ़ेद रंग का होता है, ये इंद्र जी का वाहन है, तो गज इंद्र मतलब ऐरावत हाथी, ठीक है। अरु माने और। इंद्र आ चुका है, सरल है, ऐसे रहेगा। को मतलब के, को का मतलब यहाँ पे के है। अनुज माने छोटा भाई होता है, ठीक है। तो यदि थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, यदि इतने को एक बार हम कहते हैं इंद्र को अनुज, तो इसका मतलब होगा इंद्र के छोटे भाई। अब इंद्र के छोटे भाई कौन हैं उनको बताना पड़ेगा, तो इंद्र के जो छोटे भाई हैं वो है विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं उनकी बात हो रही है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इंद्र के छोटे भाई विष्णु। हेरय मतलब खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। दुग्ध नदीश, दुग्ध नदीश का मतलब होता है क्षीर सागर, जो दूध का समुद्र है, दूध का सागर है, ये भी सफ़ेद होता है, तो दुग्ध नदीश मतलब क्षीर सागर। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। भूषण, ये महाकवि भूषण का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। भानत मतलब कहते हैं, हर पद्यांश में आ रहा है, भानत माने कहते हैं। सुर सरिता, वैसे तो सुर सरिता का मतलब गंगा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुर सरिता का मतलब मान सरोवर, एक झील है जो कैलाश पर्वत पर पाई जाती है, तो यहाँ पे सुर सरिता का मतलब है मान सरोवर झील, ठीक है। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। हंस, ये पक्षी है, हंस ये भी सफ़ेद रंग का होता है, तो हंस पक्षी है, ऐसे ही रहेगा। हेरय कई बार आ चुका है, ठीक है, हेरय मतलब खोज रहे या ढूंढ रहे, खोज रहे या ढूंढ रहे। विधि माने ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा हैं तो उनके लिए आया है। हेरय कई बार आ चुका, हेरय खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, है ना। हंस को सरल है, ऐसे ही रहेगा। चकोर, चकोर एक प्रकार का पक्षी है तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग कई बार इसको बताए भी हैं कि इसी को पपीहा भी कहते हैं, तो चकोर एक पक्षी है, ठीक है। रजनीश माने चंद्रमा, रजनीश मतलब चंद्रमा। अब यहाँ चंद्रमा भी देखिए सफ़ेद रंग का है, जब चमकता है तो वो भी सफ़ेद रंग का होता है, तो यहाँ पे चंद्रमा की बात हो रही है, ठीक है। को सरल है, ऐसे ही रहेगा। साहितनय, साहितनय का मतलब यहाँ पर देखिए, जो शिवाजी थे उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, पूरा नाम उनका था शाहजी भोसले, तो वहीं से साह मतलब शाहजी, ठीक है, और तनय का मतलब होता है पुत्र, तनय का मतलब पुत्र, तो शाहजी के पुत्र अर्थात शिवाजी, तो हमको इतना कुछ नहीं बोलना है, सीधे सीधे शिवाजी कहना है, ठीक है। साहितनय मतलब शिवाजी। सर्जा, देखिए ये एक उपाधि है, उपाधि का मतलब पदवी होता है, जैसे देखिए भारत में कुछ लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, कुछ लोगों को पद्म विभूषण दिया जाता है, कुछ लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है, तो एक सर्जा शिवाजी की पदवी है। अब आप इसको चाहे तो सरदार भी कह सकते हैं, या सीधे सीधे सर्जा कह लीजिए, सर्जा शिवाजी कह के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। यों माने इस प्रकार, यों माने इस प्रकार। करनी का मतलब कार्य, करनी का मतलब कार्य।
करी है मतलब किए हैं, करी है मतलब किए हैं, तय वह मतलब तुमने, ये शिवाजी के लिए आया है तुमने, लेकिन हम इसको कहेंगे आपने, ठीक है, तय वह मतलब आपने। हो तो है मतलब होता है या हो रहा है, होता है या हो रहा है। अचंभो मतलब अचंभा अर्थात आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। देव, देव मतलब देवता होता है, सरल है, देव माने देवता। कोटियों मतलब करोड़, कोटियों मतलब करोड़। 33 गिनती है, ऐसे ही रहेगा, तो कोटियों 33 मतलब 33 करोड़ देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं को। पावत मतलब पाना, कोई चीज़ आप खोज रहे हैं तो होता है ना कि पा गए कि नहीं पाए, तो पावत मतलब पाना। न मतलब नहीं, मतलब नहीं पा रहे हैं। हेरे कई बार आ चुका है, खोजना ढूंढना, ठीक है। तेरे ये शिवाजी के लिए आया है कि तेरे मतलब आपके, शिवाजी आपके। जस में मतलब यश में, कीर्ति में, नाम जिसको बोलते हैं, यश में, यश में। हिराने मतलब खो गई हैं, हिराने मतलब खो गई है। निज मतलब अपनी या अपना, जैसा आपको वाक्य में बैठ जाए, निज माने अपना या अपने, ठीक है, अपनी सब हो सकता है, जैसा आपका वाक्य कहे। गिरी, गिरी का मतलब है कैलाश पर्वत, यहाँ पे गिरी मतलब पर्वत होता है, लेकिन यहाँ पे गिरी का मतलब कैलाश पर्वत। को सरल है, ऐसे रहेगा। गिरीश, गिरीश मतलब भगवान शंकर, गिरीश माने भगवान शंकर। हेरें कई बार आ चुका है, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। गिरिजा माता पार्वती, गिरिजा माता पार्वती। गिरीश, गिरीश माने शंकर, यहाँ आ चुका है एक बार, गिरीश माने शंकर। को, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शिवा शौर्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रसंग बाहर से नहीं खोजना पड़ता है। जो पद्यांश होता है, जो उसकी मुख्य व्याख्या होती है, जो मुख्य बात कही होती है, उसी को हम प्रसंग बनाते हैं। और एक पद्यांश के अलग अलग तरीके से कई प्रसंग बन सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी ने शिवाजी के यश का वर्णन करते हुए बताया है कि शिवाजी के यश के प्रकाश में सभी की अपनी वस्तुएं खो गई हैं, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भूषण जी कहते हैं, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं, और इंद्र के छोटे भाई विष्णु क्षीर सागर को खोज रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, महाकवि भूषण जी कहते हैं मान सरोवर को हंस खोज रहे हैं। कॉमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे, ब्रह्मा हंस को खोज रहे हैं, और चकोर पक्षी चंद्रमा को
खोज रहा है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे सरदार शिवाजी आपने इस प्रकार का कार्य किया है कि 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और शुरू में पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे हे वीर शिवाजी, इतना पहले अपने जोड़िए हे वीर शिवाजी आपके यश में सभी की अपनी वस्तुएं खो गई हैं जिसे वे खोजने पर भी नहीं पा रहे हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे बर्फ से ढके हुए कैलाश, इतना अपने जोड़िए बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को भगवान शंकर खोज रहे हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर को खोज रही हैं और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि रस की बात की जाए तो इसमें अद्भुत रस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देवताओं को भी अचंभा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो अद्भुत रस है, ठीक है। यदि छंद की बात करें तो ये मनहरण कवित्त छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अतिशयोक्ति और अनुप्रास, ये दो मुख्य अलंकार हैं। कहाँ हैं आप देख लीजिए। देखिए यदि हम लोग अनुप्रास की बात करें तो कई जगह आपको अनुप्रास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए गिरिजा गिरीश, ग और ग वर्ण की पुनरावृत्ति है। यहाँ पे भूषण भनत में भ और भ वर्ण की पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो और जगह भी आपको अनुप्रास अलंकार मिल सकता है। और दूसरा है अतिशयोक्ति। अब देखिए अतिशयोक्ति वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। इस पद्यांश में कहा जा रहा है कि शिवाजी का यश, उनका नाम इतना अधिक फैल गया है कि उनके आगे देवताओं की प्रिय वस्तु यानी कि देवताओं की जो कीर्ति है, जो देवताओं का यश है, वो भी समाप्त हो गया, फीका पड़ गया है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान के यश के आगे, देवताओं के यश के आगे शिवाजी का यश ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी कवि ने बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, आप ब्रज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शैली की बात करें तो मुक्तक शैली है, गुण इसमें ओज है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ते हैं। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और आपकी परीक्षा के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश में कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ को, प्रसंग को, व्याख्या को, काव्य सौंदर्य को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर बहुत आसानी से लिख लेंगे। और विशेष रूप से आपको व्याख्या समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो व्याख्या पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने शिवाजी के यश का किस प्रकार वर्णन किया है? तो देखिए यदि व्याख्या को आपने समझा है तो आप अपने से इसका उत्तर जोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में
कवि शिवाजी के यश का वर्णन करते हुए बताया है कि शिवाजी के यश में अनेक वस्तुएं खो गई हैं जिसे वे खोजने पर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहले का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंद्र विष्णु और ब्रह्मा जी किसे खोज रहे हैं और क्यों? बहुत ही सरल इसका उत्तर है। यदि आपने व्याख्या समझी है तो आप लिख सकते हैं, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी को, कामा विष्णु क्षीर सागर को और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुएं शिवाजी के यश के उज्जवल प्रकाश में खो गई हैं। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य, या इसको काव्य सौंदर्य न कह करके शिल्प सौंदर्य भी कह सकता है, तो एक ही बात है, चाहे काव्य सौंदर्य कहे, चाहे शिल्प सौंदर्य कहे, या चाहे कहे काव्यगत सौंदर्य, तो एक ही बात है, सब एक ही ठीक, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर की बात करते हैं। तो देखिए, यदि हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसका मतलब ये पूरे काव्य सौंदर्य को बता रहा है। तो देखिए, मैंने आपको पूरा काव्य सौंदर्य बताया है, अब यहाँ पर देखिए पूरा काव्य सौंदर्य आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यही पूरा काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। और यदि कहीं कहता कि अलंकार बताइए तो हम केवल अलंकार की बात करते, यदि भाषा पूछता तो केवल भाषा की बात करते, लेकिन वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पूरा काव्य सौंदर्य ही लिखिए, तो आपको सारा काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य में आए सुर सरिता का क्या आशय है? तो बहुत ही सरल है, आप लिखेंगे उत्तर, पद्य में आए सुर सरिता का आशय मान सरोवर से है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश आपके पद्यांश में कहाँ पर है। तो देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यहाँ इस दो लाइन की व्याख्या हमको करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो दो लाइन की रेखा खींची है ये कहीं भी हो सकती है, आपका पेपर बनाने वाला उसकी मर्जी है कि वो कहाँ रेखा खींच देगा। तो आपको सारी व्याख्या तैयार करके रखनी है, जहाँ भी अंडरलाइन रहे उसकी व्याख्या कर देनी है। तो चलिए हम लोग इन दो लाइन की व्याख्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं चलिए देख लिया जाए। देखिए, आप जो नंबर है नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कैसे, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में, देखिए यहाँ पे मैंने पंक्ति कहा है, पद्यांश नहीं कहा है, क्योंकि अब आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है। आगे देखते हैं, कवि भूषण जी कहते हैं हे वीर शिवाजी, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, आपके यश में सभी की अपनी वस्तुएं खो गई हैं जिसे वे खोजने पर भी नहीं पा रहे हैं, भगवान शंकर जी बर्फ से ढके कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर को खोज रही हैं। और आपके दो लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।